नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार ने बदले बालू खनन के नियम, ठंड से फिर बड़ी इंजनों के स्कूलों की छुट्टी, थानों की होगी रियल टाइम निगरानी। नेपाल विमान हादसे में बिहार के युवक की मौत, वनडे इतिहास में टीम इंडिया ने तोड़ा ये रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकार ने बदले बालू खनन के नियम, बालू के अवैध खनन और अवैध भंडारण को रोका जा सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा बालू खनन के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि अब खनन और भंडारण दोनों पर सरकार की नजर बनी रहे, इसलिए खनन के बाद बालू को 300 मीटर के दायरे में ही रखना होगा। वहीं अगर 300 मीटर के बाहर कोई बालू भंडारण करता है तो वह अवैध माना जाएगा और बंदोबस्तधारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अब बंदोबस्तधारियों को जियो कोऑर्डिनेट के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर भंडार स्थल की और बालू की मात्रा की जानकारी देनी होगी। जनहित एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। जनहित एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोगों को और भी सुविधा मुहैया कराया जा सके इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इस ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जनहित एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन, सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, मानसी जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय स्टेशन, बड़ौनी जंक्शन, महनार रोड रेलवे स्टेशन, हाजीपुर जंक्शन होते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन आती जाती है। मिली जानकारी के अनुसार जनहित एक्सप्रेस पहली बार 2 एसी बोगी सहित 3 बोगी की संख्या बढ़ाई जाएगी। मालूम हो कि अभी जनहित एक्सप्रेस में 15 कोच शामिल है जो अब 18 कोच हो जाएंगे। ठंड से फिर बढ़ी इंजनों के स्कूलों की छुट्टी। राज्य में ठंड के हालात को देखते हुए सरकारी स्कूलों की छुट्टी आज से खत्म कर दी गई है, लेकिन वहीं राज्य में अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से राज्य में धूप निकलने की वजह से ठंड में कमी पाई गई है, लेकिन राजधानी में अहले सुबह ही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं बह रही है। यही वजह है कि अब एक बार फिर कई जिलों के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जिन जिलों में फिलहाल स्कूलें बंद है उनमें सिवान, बक्सर और छपरा शामिल है। हालांकि इन जिलों में सिर्फ छोटे बच्चों के ही क्लास को बंद रखा गया है, 10वीं के बच्चों का स्कूल आना होगा। थाना की होगी रियल टाइम निगरानी। बिहार के पुलिस स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होने जा रही है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को थाने का सीसीटीवी के माध्यम से सर्विलांस के लिए सभी रेंज एवं जिलों में सीसीटीवी एवं कंट्रोल रूम स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अपने स्तर से भी सीसीटीवी की समीक्षा करने को कहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के द्वितीय चरण को राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ करने के लिए गृह विभाग ने डीजीपी से प्रस्ताव मांगा है। बता दें कि इस योजना जरिए पुलिस का पूरा कामकाज पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। मंदार महोत्सव में यह है लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र। बिहार में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इस महोत्सव में लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला सह प्रदर्शन रहा, जहां जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रांतों से आए दुकानदारों के द्वारा फर्नीचर की दुकानें लगाई गई हैं। तो वहीं ठंड के कपड़े के साथ साथ कश्मीरी शॉल्स की भी लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। इसके साथ ही यहां बच्चों के लिए विभिन्न तरह के झूले, मारुति सर्कस, जनता सर्कस लगाए गए हैं जो बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं बीते दिन रविवार को इस मेले में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिससे पुलिसकर्मियों को भीड़ को संभालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालान पेंडिंग रखने वालों पर 15 फरवरी से लागू होंगे ये नियम। अगर आपने भी सड़क सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया है और इसके बदले में आपके चालान काटे गए हैं, लेकिन अब तक आपने उस चालान को जमा नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 15 फरवरी से चालान पेंडिंग रखने वालों के खिलाफ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब ऐसे वाहन चालकों के प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सके इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस माह के अंत तक इसका ट्रायल होगा और फिर अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा। नेपाल विमान हादसे में बिहार के युवक की मौत। नेपाल के पोकर में हुए विमान हादसे में बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया के 28 वर्षीय युवक संजय जायसवाल की मौत हो गई है। बता दें कि संजय बैरगनिया नव क्षेत्र के वार्ड 6 निवासी राम इकबाल चौधरी के पुत्र हैं। वे पिछले काफी समय से काठमांडू में ही काम कर रहे थे। वहीं बेटे की मौत से परिवार के सभी सदस्य सदमे में है। मृतक के घर में माँ, पिता और एक छोटा भाई है। बता दें कि रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद बसीर अंसारी, भाजपा नेता प्रभु जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि गणेश चौधरी समेत कई लोगों ने मृत परिवार से गहरी संवेदना व्यक्त की है और पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। 22 साल बाद बिहार के भागलपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बिहार के भागलपुर में लगभग 22 साल बाद 28 और 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में बैठक होने जा रही है। बता दें कि यह बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस बैठक का योजना सही ढंग से हो सके इसके लिए जिला कोर कमेटी
की बैठक भी आयोजित की गई थी और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया गया। मालूम हो कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई दिग्गज शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे, गिरिराज सिंह, आर के सिन्हा शामिल हैं। हालांकि अब तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि यह बैठक किस स्थान पर आयोजित की जाएगी, लेकिन जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति की बैठक का स्थान भी जल्द तय कर लिया जाएगा। अश्विनी चौबे की सुरक्षा में चल रही पुलिस की गाड़ी पलटी। बीती रात बक्सर से पटना लौटने के क्रम में डुमराव के नजदीक मठला नारायणपुर पथ पर सरकी पुल के पास केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के कारकेड में शामिल कोरन सराय थाने की पुलिस की स्कॉट गाड़ी सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई थी। ठीक इस गाड़ी के पीछे केंद्रीय मंत्री श्री चौबे की इनोवा कार थी, जिसमें वे सवार थे। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से अश्विनी चौबे के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। वहीं पुलिस की वाहन पलटने से उसमें मौजूद चार पुलिसकर्मी और एक वाहन चालक पूरी तरह घायल हो गया है, जिसके बाद तत्काल उन सभी पुलिसकर्मियों और वाहन चालक को केंद्रीय मंत्री के द्वारा डुमराव अस्पताल भेजने का प्रबंध करवाया गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री खुद भी अस्पताल पहुंचे और देर रात वहां मौजूद रहे। बिजली बिल से बिहार के उपभोक्ता परेशान, खुली सात निश्चय योजना की पोल। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर कैमूर का एक युवक पहुंचा। इस दौरान युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फरियाद की और कहा कि उसके घर में एक बल्ब और एक पंखा चलता है और उसका उसे बिजली बिल 9,000 रुपए का मिलता है। जब इस बात की शिकायत की गई तो शिकायत दूर करने के बजाय धमकी दिया गया है कि सीएम के पास जाओ या पीएम के पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को फोन कहा कि शिकायत को तुरंत दूर किया जाए। वहीं अपनी फरियाद लेकर पहुंचे दूसरे व्यक्ति ने बोला कि नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि अब पंचायत का मामला है। फरियादी ने कहा हां, पूरी योजना पंचायत में ही है, आधे गांव को पानी मिल रहा है, आधे को नहीं। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारी को फोन लगाया और शिकायत को देखने का आदेश दिया। सुशील मोदी का शिक्षा मंत्री पर हमला। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा आपत्ति टिप्पणी किए जाने को लेकर बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ जगह जगह मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनके खिलाफ ऐसा विरोध किया जाना चाहिए कि छात्र उन्हें अपने कॉलेज में न घुसने दें। उन्होंने कहा कि राजद से हाथ मिलाने के बाद मुख्यमंत्रियों का मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वे छात्रों की समस्याओं को हल करने के बजाय समाज में कटुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। दिल्ली से पटना पहुंचने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी के बड़े नेता एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहां किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। हाँ, ये बात सही है कि संविधान भी हमें यही सिखाता है कि हम सभी धर्मों को समान भाव से देखें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बस दो ही नेता हैं, एक लालू जी और दूसरा नीतीश जी। अगर इन दोनों के अलावा और कोई नेता बयानवीर बनने की कोशिश कर रहा है तो वह पूरी तरह से गलत है। सीएम नीतीश कुमार जानते हैं कि कौन बीजेपी के एजेंडों पर काम कर रहा है। हम छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए शिशिर कौंडल्य। बीते दिन रविवार को जीतनराम मांझी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल बीते दिन हम के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे शिशिर कौंडल्य कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि शिशिर कौंडल्य को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में दिलाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिशिर कौंडल्य एक अच्छे वक्ता और लेखक है और अभी वर्तमान में वह पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। उन्होंने बिहार में अपनी राजनीति पारी की शुरुआत जीतनराम मांझी की पार्टी हमसे ही की थी। वनडे इतिहास में टीम इंडिया ने तोड़ा ये रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बता दें कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को इस मैच में 317 रन से मात दी। इसके साथ ही भारत वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने इस मामले में न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 290 रन से जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, भारतीय टीम 300 या इससे ज्यादा रन से जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है। जानकारी बता दी कि भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 390 रन बनाए थे, तो वहीं श्रीलंका की टीम केवल 73 रनों में सिमट कर रह गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने 166 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं शुभमन गिल ने भी 116 रनों की पारी खेली। इस मैच में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी मोहम्मद सिराज बने, जिन्होंने अपने नाम कुल 5 विकेट किए। इसके अलावा मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने अपने नाम 2-2 विकेट किए।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रिंस कुमार, पीयूष, कुश कुमार यादव, अखिलेश यादव, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, कुमारी संजना, शंकर मुखिया, नुसरत बन्नो, प्रवीण कृष्णा, मुटुल रंगीला, मोहम्मद नौशद राजा, रविशंकर, महमूद अंसारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार महागठबंधन के नेताओं से आ रहे एक दूसरे के प्रति विरोधी बयान से गठबंधन पर असर पड़ेगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।